नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिशा कौन क्या हो सकता है उसको मैंने प्रिडिक्ट करने का कोशिश करता हूँ। तो फर्स्टली इसमें चार्ट में देखिए, ये 15 मिनट का एक ऐसी चार्ट है। तो इसमें देखिए, ये पहले जो ऊपर वाला लेवल था, कल मैंने जो बोला था जो 74,000 के ऊपर 11,107 तक जाएगा। तो उसके बाद ये मेरा बाय सेल रिकमेंडेशन में भी लेवल दिया था। उसके बाद ये 11,332 तक हाई दिया था। उसके बाद ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाया, ये 140-136 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये क्रॉस करेगा तो ये ऊपर फिर से ऊपर जा सकता है। मैंने बाय सेल रिकमेंडेशन क्या लेवल होगा वो बाद में दे दूंगा, अभी मार्केट का दिशा मैंने जांच करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो और इसमें नीचे आ सकता है, इसमें जो ये लेवल तोड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये लेवल जब तोड़ेगा 61 का नीचे, 72 का नीचे, 60-62-70 का मिली 60 का नीचे जब लेवल तोड़ेगा तो ये नीचे आ सकता है, इतना तक नीचे आ सकता है। और मैं ऑप्शन चेन में देखना चाहता हूँ, ये फर्स्टली देखिए इसका PCR लेवल अभी तक 1 के ऊपर है और जो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस देखिए शिफ्ट किया है ऊपर में। कल रेजिस्टेंस था 11,100 में, आज देखिए 11,200 में ये रेजिस्टेंस शिफ्ट किया है। इसमें ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, लेकिन प्राइस गिर गया है, इसका मतलब भी इसमें थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, 11,200 में थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और इधर रेजिस्टेंस में देखिए पुट साइड में फर्स्टली 11,100 में तो इसका फर्स्ट सपोर्ट था, उसके बाद 11,000 में इसका सपोर्ट है और इसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है और इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर भी प्राइस गिरा है, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप है। मतलब मार्केट अभी कुछ साइड में मूवमेंट रहेगा, साइड मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकता है। और इधर देखिए अभी कॉल साइड में अभी थोड़ा सा ज़्यादा है पुट साइड का इस कंपेरिजन से, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मार्केट अभी तक कुछ ऊपर जा सकता है। और बैंक निफ्टी में देखिए फर्स्ट ये 28,000 का जो 245 का लेवल, वो 250 का लेवल 246 में गया था, 250 का लेवल ये क्रॉस नहीं पाया, कहाँ पाया ये देखिए। पहले जो मेरा जो कल के जो बाइक रिकमेंडेशन का जो लेवल दिया था उसके हिसाब से ये ऊपर गया था 250 तक, लेकिन उसके बाद ऊपर नहीं जा पाया, थोड़ा सा करेक्शन इसका आया था। तो इसके बाद फिर से मतलब लास्ट सेशन में थोड़ा सा ऊपर जाने का रिकवरी किया और 200, लेकिन 246 के ऊपर जा नहीं पाया, 209-10 के ऊपर वो जाके थम गया है। और लेकिन वो 100 के ऊपर अभी तक सस्टेन कर रहा है और 28,100 के ऊपर, ये 294 के ऊपर ये फिर से बुलिश हो सकता है और 899-900 के नीचे, 887 के नीचे ये नीचे आ सकता है। मैंने और इतना तक नीचे आ सकता है, ये तोड़ेगा तो 27,700 तक नीचे आ सकता है, इसके बाद फिर तोड़ेगा तो फिर और नीचे आ सकता है। मैंने रात में आप लोगों को बाय सेल जो रिकमेंडेशन देता हूँ उसमें आप लोगों को लेवल दे दूँगा। अभी जस्ट मार्केट का डायरेक्शन मैंने का क्या हो सकता है